पर महाराज दशरथ सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं, अब तो मेरे बेटे जवान हो गए हैं, अब हम अपने बेटों को ये राजधानी सौंप दें तो अच्छा है, कुछ भगवान का भजन कर लें। उसी समय आज गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं, कहने लगे हैं, गुरुजी अब हम इस सिंहासन नहीं संभाल सकते हैं, हमारे पुत्र इस राज्य को संभालने के लिए पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं और अब हम कुछ भगवान के दरबार में 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे बबलू भगवान के दरबार में 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख संपत्ति प्रदान करे, हमेशा धर्म के कार्य में हाथ बढ़ते रहें, इनके घर में कभी किसी कोई बात की कमी ना आए, मेरी यही आशा है। बोलिए परीक्षित महाराज की, व्यास जी महाराज की। आज जब उसी समय महाराज दशरथ ने देर नहीं की है और सारे अयोध्या नगरी में कहलवा दिया है कि कल राम का राज तिलक होगा, जब सारी अयोध्या नगरी में ये सुना है तो बड़ी अयोध्या नगरी वाले खुश हुए हैं और कहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रभु राम राजा बनेंगे, सभी लोग बड़े खुशी हैं। और जब ये खुशी मंथरा ने सुनी तो मंथरा ने ये सोचा कि अब भरत और शत्रुघ्न तो है नहीं, राम का राज तिलक हो जाएगा तो हमारे भरत और शत्रुघ्न क्या करेंगे, इसके मतलब है महाराज चाल चल रहे हैं, राम को राज तिलक सौंप रहे हैं। उसने देर नहीं की और महारानी के महलों में पहुंच गई है। कहा है महारानी तुम इस महल में ऐसा आराम कर रही हो, उधर महाराज दशरथ ने बहुत चाल चली है, आज के कई कहने लगी है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, हमारे पति के बारे में ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो, हमारे पति ने ऐसा क्या कर दिया है। मंथरा कहने लगी है यही तो जब हम बताएंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पति ने क्या किया है। तुम्हारे पति ने राजा राम को राज तिलक देने का निश्चय कर दिया है और कल राम का राज तिलक होगा। तो केकई कहने लगी है इसमें संदेह की क्या बात है, वो भी हमारा बेटा है। लेकिन नहीं, आज मंथरा बहकाने लगी और कहने लगी है कि कहीं तुम्हें नहीं पता है महाराज दशरथ बहुत चाल चल रही हैं, तुम्हारे पुत्र घर पर नहीं है और इसीलिए उन्होंने राज तिलक का अभिषेक करने को राम को सौंप दिया है और कल राम का राज तिलक होगा और तुम्हें नहीं पता है जब राम अधिकार करेगा तो तुम्हारे पुत्रों का अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह से आज मंथरा ने नाना प्रकार से समझाया और मैया केकई की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसी समय आज वो कहने लगी है कि तुमने सही कहा है, हमें लग रहा है कि हमारे महाराज हमसे कपट कर रहे हैं। मंथरा हम तुझसे एक बात कह रहे हैं। बोले क्या, हमारे पति से हमारे दो वरदान बाकी हैं। आज जब इतनी बात कही है तो मंथरा कहने लगी ऐसे वो कौन से वरदान हैं जो बाकी हैं। उसी समय आज
जब इतनी बात कही तो केकई कहने लगी है, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो हमारे महाराज मूर्छ हो गए थे और वहां पर हमने ही इनकी रक्षा की थी। तब इन्होंने प्रसन्न होकर के हमसे कहा था कि केकई तुमने मेरी आज लाज बचाई, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं और तुम हमसे वरदान मांग लो। तो उसी समय मैंने ये कहा था कि जब समय आएगा तब मांग लेंगे, तो आज वो समय आ गया है। आज जैसे ही महाराज महल में प्रवेश करेंगे उसी समय हमें ही वरदान मांगेंगे। जब इतनी बात कही तो उसी समय केकई कहने लगी, बहन ये तो बता ये काम मैं कैसे कर पाऊंगी। उसी समय आज मंदरा कहने लगी है, त्रियाचरित जानती हो? बोल त्रियाचरित? कैसा त्रियाचरित? अरे तुम्हें नहीं पता है, जब महाराज आए ये तुम्हारा ये आभूषण जो तुम पहने हुए हो ये सारे उतार देना, और उतार करके बाल अपने हैं जो बिखरा लेना और धरती पर लेट जाना, और महाराज आए तो तुम बोलना मत। जब महाराज आए तो तुम बोलना मत, चुप ही रहना, वो तुम्हें मनाएंगे, फिर तुमसे कहेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है, फिर पूछेंगे और ऐसे उन्हें बातों में फंसा लेना। जब वो ये बात कहें तब तुम कहना कि महाराज हमें लगता है कि तुम हमसे कपट कर रहे हो। बोले ठीक है मंत्रा, तुमने ये बात सही कही है, हम तो जानते भी नहीं है कैसे किया जाएगा। आज भैया उसी समय जब मंथरा समझा करके गई है और जैसे ही महाराज रानी के कक्ष में आए हैं तो देखा आज के कई धरती पर लेटी हुई है, वार बिखराए हुए, सारे आभूषण इधर उधर बिखरे हुए हैं। महाराज ने जब ये दशा देखी तो महाराज सटपटा गए, सोचने लगे ये क्या हो गया। आज जैसे ही पास में पहुंचे हैं बोले के कई क्या बात हो गई है और तुम ऐसे क्यों लेटी हो? नहीं बोली। महाराज ने पास में जाकर के कहा है कि तुम बताओ ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इस तरह से, और तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं? देखा है तो सारे आभूषण इधर उधर बिखरे हुए हैं। महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो महाराज समझ गए आज कुछ चाल है हमें लगता है। महाराज बैठ गए आज केकई के पास में और कहने लगे हैं कि तुम ये तुमने क्या बना रखा है, तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं और तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों लेटी हो? आज जैसे इतनी बात की लेकिन बोलती नहीं है, काहे तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं बोल रही। महाराज कहने लगे बात तो बताओ, बात क्या है, तुम क्या चाहती हो और तुम क्या मांगना चाहती हो? आज उसी समय केकई कहने लगी है तुम हमें क्या दे सकते हो? महाराज कहने लगे दशरथ तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। बोले सच कि हाँ तुम्हें जो तुम जो मांगोगे हम वही देंगे तुम्हें? रानी को विश्वास नहीं हुआ। रानी ने कहा ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरिएगा। बोले त्रिवाचा? मैंने कहा ना कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। लेकिन भैया ना मानी। बोली नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, ये बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें प्यारा कौन है? बोली राम।
तो राम की कसम खाओ। आज भैया महाराज दशरथ नहीं समझ पाए कि ये क्या होने वाला है। आज उसी समय दशरथ कहने लगे हैं कि कोई बात नहीं, तुम मांगो। तो आज उसी समय जब इतनी